भोले बाबा जी की। सर, मेरे को कर आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? मैं आपसे माहिती कुछ चाहिए। मेरे साथ क्या हो रहा है कि हमारे साथ गई साल पे मेरे साथ एक लड़का आया था अमरनाथ जी की यात्रा पे। आपको अमरनाथ जी की यात्रा पे जाना है? हाँ जी सर, जी, तो वहां जा रहे थे तो उस टाइम गई साल क्या हुआ था, मेरे साथ एक लड़का मेरे साथ था, वो बार बार ही वेटिंग कर रहा था, यानी कि उल्टी कर रहा था, ठीक और है। उसकी बीपी लो हो रहा था कि मतलब कि कुछ उसके हाई बीपी की तो दिक्कत था ही उसको। फिर वो क्या बोल रहा है मेरे को, अभी भी उस साल भी आ रहा है मेरे साथ। तो मैंने बोला भाई तेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, तो आपके घर में आपकी एक कमाने वाला आदमी हो तो मेरे साथ ना आओ। तो वो बोल रहा है नहीं, हम आपके साथ ही आ रहेगी। तो क्या इस बार भी उसको दिक्कत आ रही है कि हम क्या उसको छोड़ दे सर उसको? सर देखिए, दिक्कत उसको है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं तो ये तो ट्रीटमेंट लेके जाऊं अपना, है ना, हाँ या सर, फिर उस दूसरे, बार हाँ जी सर, यात्री को क्यों परेशान करूं? अगर एक को दिक्कत होगा तो जो ग्रुप में लोग होंगे सबको परेशानी होगा। उस टाइम भी यही हुआ था। और उस समय उस यहाँ से मेडिकल वाला बोला था ना कि आपकी बीपी आई 190 आ रही है, कि ओह माय गॉड, आप अच्छा। ना जाए तो अच्छा होगा, कि फिर भी वो आया। अगर ऐसा कोई यात्री है जिसके प्रॉब्लम है और वो पिछली बार गया था, परेशानी हुई, तो इस बार उसको आप मना कर दीजिए, कोई बात नहीं। और वो क्या है कि मेरा खास मित्र है, तो बना कर रहे तो वो मान नहीं रहा, नहीं कि हम अब मेडिकल ये फैसला करवा ही आपका है, रहते कि आपको पता ही है कि वहां जाके दोबारा परेशानी होनी है जी ना। सर, हमें जानते ही है सर। हाँ हाँ, दोबारा तो फिर परेशानी फेस करने के लिए तैयार रहिए। क्या तो परेशानी हो भी ना भी हो, ये भी कंडीशन है ना, जरूरी थोड़ी परेशानी होनी होनी है। कहता ना भी हो और होगी तो फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या कर सकते हैं ऐसे, जी अपने सर, सही खास मित्र है तो क्या कर सकते हैं। सर, हम शेषनाग पहुंचे ना, वहां से सुबह हम शुरू किया सर चलने का। फिर वो बारी बारी यही वो उसके हो रहा था उसके साथ। और वो वहां से इंश्योरेंस लिया, मैंने इंजेक्शन लिया, दवाई वगैरह लिया, फिर भी वो कर रहा था। तो हम मैंने इस टाइम तो मैंने मना किया, भाई तू ना आ तो अच्छा है, किसी यात्री को दूसरे को भी दिक्कत आ रही है, सर मैंने देखिए, बोला इतना सर। ज्यादा तबीयत खराब है, बीपी इतना हाई जा रहा है, कोई परेशानी हो जाए, कोई बात हो जाए, आपको मालूम, किसी को नहीं मालूम है तो अलग बात है, लेकिन मालूम है उसके बाद भी कोई कर रहा है तो वहां जाके दिक्कत होगा, तो फिर आप सोचिए ना कितना बड़ा दिक्कत ऐसा ही है, है ना। मैं तो उसको बोला मना कर रहा हूँ। फिर दूसरी दिक्कत तो मेरे साथ ये है रही सर, कि मेरे मेरे साथ दो यात्री है ना, वो ऐसा है कि मेडिकल करवाना है, पर वो वहाँ मेडिकल करवाने वो गया सूरत के, हम अमरेली शहर से, अमरेली से है गुजरात से, और वो अमरेली से वो सूरत वाला है। तो वो दो दो की दिक्कत ये आ रही है कि आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब के बनाओ, मैंने कहा उसका आधार कार्ड है यहाँ यहाँ का ही है, हमारे यहाँ जिला का ही है, डिस्ट्रिक्ट का। तो वो मेडिकल वाला ये बोल रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब बनाओ, तो वो यहाँ आएगा तो 2-3 दिन तो उनका वो खराब जाएगा। तो नहीं, वो बोल रहे हैं ऐसा कोई रूल नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी बना सकते हैं मेडिकल और रजिस्ट्रेशन भी। तो वहाँ मेडिकल वाला तो मना कर रहे हैं, तो हम क्या करें मेडिकल सर? वाले को पूछिए ना कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाना है, उससे पूछिए ना आप। हाँ, उस साल भी यही हुआ था, हम राजकोट में बनवाने गया था, तो वहां पर उसका मना कर दिया, तो आप फिर हमें मेरी बात तो राजकोट सुनिए, आना मेरी पड़ना। बात सुनिए, मेरे पास थोड़ा समय कम होता है, और भी कॉल आ रहे हैं ना, हाँ आपको जो जी सर, सूरत हाँ का सवाल है वो पूछिए आप उससे पूछिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने स्टेट से बनवाना है, कहीं से बनवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया आप, ठीक है। हाँ, जी जी सर, आप पूछेंगे, सही है। रखूँ फोन में अब, थैंक यू, जय बाबा बहुत जी। बहुत